हम चलते हैं हिप जॉइंट पर। अब बताओ किन पांच हेडिंग्स में हम पढ़ते होते थे सारे जॉइंट्स? आर्टिकुलेशन, सबसे टाइप पहले, ऑफ जॉइंट, उसके बाद आर्टिकुलेशन, टाइप ऑफ जॉइंट, टाइप के बाद कैप्सूल, लिगामेंट, फिर लिगामेंट्स, फिर मूवमेंट्स, मूवमेंट्स, आर्टिकुलेशन, टाइप, कैप्सूल, लिगामेंट और मूवमेंट, यहाँ पर भी हम इन्हीं हेडिंग में पढ़ेंगे। अब आर्टिकुलेशन क्या होती है इसकी, बताओ हिप जॉइंट की आर्टिकुलर सरफेस बताओ। हेड ऑफ फीमर एंड द एसिटैबुलम ऑफ द पेल्विक बोन। हेड ऑफ फीमर और एसिटैबुलम ऑफ द पेल्विक बोन। अरे मैं भूल जाऊंगा, जरा कहाँ पे रह गई। अच्छा, अब सबसे पहले हम आर्टिकुलेशन की बात करें तो क्या होता है कि जो कप शेप एसिटैबुलम होता है वो हिप बोन की आर्टिकुलर सरफेस है, और फीमर की आर्टिकुलर सरफेस क्या होगी, हेड ऑफ द फीमर। लेकिन आपको याद हो जो एसिटैबुलम होता है वो क्या होता है कि इंफीरियरली वो डेफिसेट होता है, ये देखो इंफीरियरली वो ओपन होता है, बाकी हर साइड से तो वो जो है उसके अराउंड एक वॉल होती है, लेकिन इंटीरियरली उसके अराउंड वॉल नहीं होती, वहां पर वो ओपन होता है। अब सबसे पहले क्या होता है, अगर आपको याद हो जब हम शोल्डर ज्वाइंट पढ़ते थे तो हम कहते थे कि ग्लेनोइड कैविटी इतनी डीप नहीं होती, तो उसको डीप करने के लिए वहां पर एक फाइब्रोकार्टिलेजनस रिम आकर अटैच होती थी। क्या कहते थे उसे, फाइब्रोकार्टिलेजनस रिम को, ग्लेनोइड। ग्लेनॉइड लेब्रम बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर क्या होता है कि जो एसिटैबुलम होता है ये इतना ज्यादा डीप नहीं होता, ये पूरे हेड ऑफ फीमर जो है वो इसके अंदर ऑक्यूपाई हो सके, तो यहाँ पर भी उसी तरीके से एक फाइब्रोकार्टिलेजनस रिम जो है वो आकर अटैच होती है इसके मार्जिन्स पर, और यहाँ पर हम उसे कहेंगे, बताओ क्या कहेंगे, यहाँ पर हम उसे कहेंगे एसिटैबुलर लेब्रम। ठीक है, यहाँ पर फाइब्रोकार्टिलेजनस रिम को कहेंगे हम एसिटैबुलर लेब्रम। ये देखो ये अटैच हो रही है एसिटैबुलर लेब्रम। क्या काम होता है इसका, ये ग्लेनॉइड, सॉरी ये जो एसिटैबुलम है इसको डीप कर देती है ताकि जो हेड ऑफ फीमर है वो इसमें ऑक्यूपाई हो सके। अब यही जब एसिटैबुलर लेब्रम इंफीरियरली जब ये जो जहाँ पर ओपन होता है एसिटैबुलम यहाँ पर कवर करता है, तो यहाँ पर ये लिगामेंट बना लेता है, इस लिगामेंट को हम कहते हैं ट्रांसवर्स एसिटैबुलर लिगामेंट, ट्रांसवर्स एसिटैबुलर लिगामेंट। टर्पीटर। बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ कि एसिटैबुलम था जो कि उसके हर तरफ वॉल थी लेकिन इंफीरियरली वो डेफिसेट था, इस तरीके से था एसिटैबुलम। सबसे पहले तो क्या हुआ कि एक फाइब्रोकार्टिलेजनस रिम आकर अटैच हुई इसके चारों तरफ मार्जिन्स पर, और इसने एसिटैबुलम को डीप कर दिया, और उस फाइब्रोकार्टिलेजनस रिम को हमने कहा एसिटैबुलर लेब्रम। अब यहाँ पर ओपन था, तो यहाँ पर जब फाइब्रोकार्टिलेजनस रिम आकर अटैच हुई इस तरीके से, तो उसने एक तो इस ये जो ओपनिंग थी इसको क्लोज कर दिया और यहाँ पर एक लिगामेंट बना दिया, ओपनिंग को क्लोज कर दिया एसिटैबुलर लेब्रम ने, जिसकी वजह से यहाँ पर एक लिगामेंट बन गया, और इस लिगामेंट को हमने क्या कहा, ट्रांसवर्स एसिटैबुलर लिगामेंट। ठीक है, तो अब हमारे दोनों काम हो गए, एसिटेबुलर लेब्रम ने दो काम कर दिए, इसने एसिटेबुलम जो एसिटेबुलम था उसको डीप भी कर दिया, और जो एसिटेबुलम की ओपनिंग थी उसको भी क्लोज कर दिया, और वहां पर एक लिगामेंट बना दिया जिसको हमने कहा ट्रांसवर्स एसिटेबुलर लिगामेंट। ठीक है, समझ आ गई सबको? जी सर, समझ आ गई। ओके, अब क्या हुआ, टाइप पर आ जाओ, बताओ क्या टाइप है, जो शोल्डर ज्वाइंट की टाइप थी उसी तरीके से हेड ऑफ ह्यूमरस जब ग्लेनॉइड कैविटी में अटैच होता था, यहाँ पे हेड ऑफ फीमर एसिटैबुलम में अटैच बॉल होता था, तो एंड क्या सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ठीक है, बॉल क्या है इसमें, हेड ऑफ फीमर इज अ बॉल
एंड एसीटेबुलम इज अ सॉकेट, और इन सबको साइनोवियल मेम्ब्रेन भी कवर कर रही होती है, तो हम क्या कहेंगे, कंप्लीट साइनोवियल बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, साइनोवियल बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट इसकी टाइप होती है। अब हम चलते हैं आगे तीसरी चीज पर, और वो क्या होता है, वो होता है कैप्सूल। अब कैप्सूल इस सारे आर्टिकुलर सरफेस को सराउंड कर रहा होता है। कैसे सराउंड कर रहा होता है, कि वो एसीटेबुलम के ऊपर अटैच होगा, मीडियली एसीटेबुलम के मार्जिन पर अटैच होगा। जो कैप्सूल की अटैचमेंट होगी मीडियली, वो कहाँ पर होगी, एसीटेबुलम के मार्जिन पर होगी, आउटसाइड आउटसाइड द एसीटेबुलर लेबलम, यहाँ पर अटैच होगा मीडियली आउटसाइड द एसीटेबुलर लेबलम। अब जब आएगा वो लैटरली फीमर पर अटैच होने, तो एंटीरियरली तो वो अटैच हो जाएगा इधर इंटरट्रोकेंटरिक लाइन पर, लेकिन पोस्टीरियरली कहाँ पर अटैच होगा, पोस्टीरियरली वो अटैच होगा नेक ऑफ फीमर पर, या मैं डॉटेड में बना रहा हूँ क्योंकि ये पोस्टीरियरली अटैच है, पोस्टीरियरली नेक ऑफ फीमर पर अटैच होगा। तो दो जगह हम अटैचमेंट पढ़ते होते हैं, कैप्सूल की एक मीडियल दोनों आर्टिकुलर सरफेस पर ना, तो मीडियल आर्टिकुलर सरफेस पर भी और लैटरल आर्टिकुलर सरफेस पर। मीडियल आर्टिकुलर सरफेस जो थी एसीटेबुलम, उसके मार्जिन पर अटैच होगा कैप्सूल आउटसाइड द एसीटेबुलर लेबियम, और जो लेटरल साइड पर आएगा फीमर पर अटैच होने, तो एंटीरियरली इंटरट्रोकेंटरिक लाइन पर अटैच हो जाएगा और पोस्टीरियरली नेक ऑफ फीमर पर अटैच होगा। ठीक है, यस सर। अब क्या होता है, इस कैप्सूल का ना एक बैंड, जब यहाँ पर वो इंटरट्रोकेंटरिक लाइन पर अटैच हो रहा होता है, तो इस कैप्सूल का बैंड ना इनवर्ड एक्सटेंड करता है इस तरीके से अलोंग द नेक, नेक के साथ साथ मूव करता है, और इस बैंड के अंदर क्या होती है, इस बैंड के अंदर ब्लड वेसल्स होती है। तो ये जो कैप्सूल का बैंड होता है, जो इनवर्ड रिफ्लेक्ट कर रहा है और नेक के साथ साथ मूव कर रहा है और अपने साथ ब्लड वेसल्स को लेकर जा रहा है, इस बैंड को हम कहते हैं रेटिनेक्यूला, इसको हम कहते हैं रेटिनेक्यूला। तो रेटिनेक्यूला क्या चीज है, कैप्सूल की एक एक्सटेंशन है ये बेसिकली। जब कैप्सूल आकर इंटरट्रोकेंटरिक लाइन पर अटैच होता है, तो यहाँ से कैप्सूल इनवर्ड एक्सटेंड करता है एक बैंड की फॉर्म में, और अपने साथ ब्लड वेसल्स को लेकर जा रहा होता है, तो इसे हम बैंड को कहते हैं रेटिनेक्यूला। तो ये ब्लड वेसल जाकर हेड और नेक ऑफ फीमर को सप्लाई कर रही है। क्लियर, इसकी भी समझ आ गई रेटिनेक्यूला की, फिर ये बैंड आता कहाँ से है? सर दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, बता दें। एक कैप्सूल की एक एक्सटेंशन है, जब कैप्सूल आकर इंटरट्रोकेंटरिक लाइन पर अटैच होता है, तो वहां से उसकी एक एक्सटेंशन निकलती है जो मूव करती है अलोंग द नेक ऑफ द फीमर, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ अ बैंड, और अपने साथ ब्लड वेसल्स को लेकर जा रही होती है। तो ये जो एक्सटेंशन होती है कैप्सूल की, जो ब्लड वेसल्स को अपने साथ लेकर जा रही है, इसको हम कहते हैं रेटिनेक्यूला। ठीक है, ठीक हो गया सर। यस सर। चलो अब हम आगे चलते हैं फोर्थ चीज पर, और वो क्या है, लिगामेंट। लिगामेंट्स जो होते हैं वो हैं पांच। सबसे पहले हमारे पास होता है एक लिगामेंट जिसे हम कहते हैं इलियो फिमोरल लिगामेंट। इलियो फिमोरल लिगामेंट का क्या मतलब होगा, कि एक साइड पे वो आइलियम पर अटैच है और एक साइड पर वो फीमर पर अटैच है। तो सबसे पहला हमारे लिगामेंट होता है जिसका नाम होता है इलियो फिमोरल लिगामेंट। अब क्या होता है, ये वाई शेप होता है, इस तरीके का वाई बनता है ना, इन्वर्टेड वाई शेप होता है। नॉर्मल वाई तो ऐसे होता है ना, ये इस तरीके का होता है। अब इसका वाई का जो अपवर्ड लिंब है, ये वाला, ये अटैच होता है एंटीरियर इंपीरियर आइलिड स्पाइन पर, ये देखो, दिस इज एंटीरियर इंपीरियर आइलिड स्पाइन, यहाँ पर इसका वाई का लिंब अटैच है। और अब इसके दो बैंड बनते हैं नीचे वाई के। अब ये जो दो बैंड होते हैं, ये जाकर अटैच हो जाते हैं, एक अपर बैंड जो होगा वो अपर पार्ट ऑफ इंटरट्रोकेंटरिक लाइन पर अटैच हो जाएगा, लोअर बैंड जो होगा लोअर पार्ट ऑफ इंटरट्रोकेंटरिक लाइन पर अटैच, ठीक है। तो ये वाई शेप लिगामेंट होता है, इन्वर्टेड वाई शेप, इसका नाम होता है इलियो फिमोरल लिगामेंट। ये स्टार्ट होता है कहाँ से, आइलियम की एंटीरियर इंपीरियर आइलिड स्पाइन से, और उसके बाद इसके दो बैंड बन जाते हैं, अपर बैंड जो होगा वो जाकर
अटैच हो जाएगा इंटरट्रोकेंटेरिस लाइन की अपर पार्ट पे, और लोअर बैंड जो होगा वो जाकर अटैच हो जाएगा इंटरट्रोकेंटेरिस लाइन की लोअर पार्ट पर। जी ठीक है, काम सर, क्या होता है इसका? इट प्रिवेंट्स ओवर एक्सटेंशन, ओवर एक्सटेंशन से बताता है ये। ड्यूरिंग स्टैंडिंग, जब हम खड़े हो रहे होते हैं उस वक्त ओवर एक्सटेंशन ऑफ ज्वाइंट, ओवर एक्सटेंशन ऑफ थाई से ही प्रिवेंट करता है। चलो आगे हम चलते हैं। दूसरा लिगामेंट होता है प्यूबो फिमोरल लिगामेंट। प्यूबो फिमोरल के क्या मतलब है? प्यूबिस से स्टार्ट होगा और फीमर पर जाकर अटैच हो रहा होगा। अब ये जो प्यूबो फिमोरल लिगामेंट है ये स्टार्ट होता है सुपीरियर रैमस ऑफ प्यूबिस से। ये देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहे सुपीरियर रैमस ऑफ प्यूबिस से, और ये जाकर अटैच हो जाता है कहाँ पर? इंटरट्रोकेंटेरिक लाइन पर ये अटैच हो, यहाँ पर इंटर नीचे जाएगा इसके इलियोफिमोरल लिगामेंट के नीचे से जा रहा होगा और इधर इंटरट्रोकेंटेरिक लाइन पर अटैच हो जाएगा। ये ट्रायंगुलर लिगामेंट होता है, प्यूबो फिमोरल लिगामेंट। सुपीरियर स्टार्ट कहाँ से हो रहा होता है? रैमस ऑफ प्यूबिस से स्टार्ट होता है, सुपीरियर रैमस ऑफ प्यूबिस से ये स्टार्ट होता है प्यूबो फिमोरल लिगामेंट और जाकर इंटरट्रोकेंटेरिक लाइन पर अटैच हो जाता है। ये जब हम रिमूव करेंगे ना इसको, इलियो फिमोरल को, उसके बाद हमें नजर आएगा प्यूबो फिमोरल ये नीचे होता है इसके। ठीक है आगे चलें। अब यस सर, तीसरा लिगामेंट होता है इस्टियो फिमोरल लिगामेंट। इस्टियो फिमोरल ये कहाँ से स्टार्ट होगा बताएं? इस्टियो इसके नाम क्या आ रहा है? इसको ठीक है, और कहाँ पर? बॉडी ऑफ द ईसीएम से स्टार्ट होता है। ये देखिए यहाँ पर ये बॉडी ऑफ द ईसीएम से स्टार्ट होता है, फिर ये अपवर्ड और लैटरली मूव करता है इस तरीके से, अपवर्ड और लैटरली जाएगा और ये जाकर अटैच हो जाएगा कहाँ पर? ग्रेटर ट्रोकेंटर। ये स्पाइरल होता है, यहाँ नीचे से स्टार्ट होता है इस तरीके से, यहाँ जाएगा इस तरीके से स्पाइरल शेप होता है। ये बॉडी ऑफ ईसीएम से स्टार्ट होता है, उसके बाद ये अपवर्ड और लैटरली मूव करता है और जाकर ग्रेटर ट्रोकेंटर पर अटैच हो जाता है। ये है इस्टियो फिमोरल लिगामेंट। क्लियर? तो तीन बोन्स होती हैं हिप बोन में, तो तीनों के नाम पर एक एक लिगामेंट। सबसे पहला इलियो फिमोरल, फिर प्यूबो फिमोरल और फिर इस्टियो फिमोरल। हर बोन के लिए एक है। इलियो फिमोरल एंटीरियर इम्पियालिक स्पाइन से इंटरट्रोकेंटेरिक लाइन, प्यूबो फिमोरल सुपीरियर रैमस ऑफ प्यूबिस से इंटरट्रोकेंटेरिक लाइन, इस्टियो फिमोरल बॉडी ऑफ ईसीएम से ग्रेटर ट्रोकेंटर। अब आ जाओ, तीन हो गए दो रह गए। एक ट्रांसवर्स एसीटेबुलर लिगामेंट जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया, जो कि एसीटेबुलर लेब्रम जब उस ओपनिंग को क्लोज करता है वहां पर बनता है ट्रांसवर्स एसीटेबुलर लिगामेंट। और उसके बाद लास्ट होता है लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर। लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर जो हेड ऑफ फीमर के ऊपर जो फोबिया होता है वहां से निकलता है, ठीक है, और जाकर कहाँ पर अटैच हो जाता है? यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर यहाँ से निकलता है और जाकर अटैच हो जाता है बेस ऑफ एसीटेबुलम पर, जहां पर ट्रांसवर्स एसीटेबुलर लिगामेंट अटैच हो रहा होता है ना, बिल्कुल उसके ऊपर जाकर अटैच हो जाता सर एंड वाला नहीं पता चला, नेम भी बता दें और इसकी ओरिजिन भी। फोबिया से निकलता है हेड ऑफ फीमर के ऊपर जो एक डिप्रेशन होता है जिसे हम कहते हैं फोबिया, और उसके बाद जाकर ये अटैच हो जाता है बेस ऑफ एसीटेबुलम पर अबव द ट्रांसवर्स एसीटेबुलर लिगामेंट, और ये जॉइंट के अंदर होता है, इंट्रिंसिक लिगामेंट होता है, बाहर वाली साइड पर नहीं होता। ठीक है चले आगे। यस सर, ओके, अब हम चलते हैं नर्व सप्लाई पर। मूवमेंट हम बाद में करते हैं, पहले नर्व सप्लाई में आपको बता दूं, फिमोरल नर्व भी इसे सप्लाई करती है, सियाटिक कौन सी नर्व फीमेल भी इसे बताते हैं? सप्लाई करती है, ऑब्ट्यूरेटर नर्व भी सप्लाई करती है और नर्व टू क्वाड्रेटस सर भी। लास्ट नर्व लिगामेंट कौन सा?
लास्ट लिगामेंट मैंने बताया, लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर, जो फोविया से स्टार्ट होता है और जाकर अटैच हो जाता है बेस ऑफ एसीटेबुलम पर अबव द ट्रांसवर्स एसीटेबुलर लिगामेंट। ठीक है, तो फेमोरल नर्व भी सप्लाई करती है, स्टैटिक नर्व भी सप्लाई करती है, ऑब्चुरेटर नर्व भी सप्लाई करती है, और नर्व टू क्वाड्रेटर फेमोरिस भी सप्लाई करती है। चलो हम जरा दोबारा से ज्वाइन करो, तो अब हम मूवमेंट्स करते हैं। मैं बता रहा था फेमोरल नर्व भी सप्लाई करती है, ऑब्चुरेटर नर्व भी सप्लाई करती है, स्टैटिक नर्व भी सप्लाई करती है, और नर्व टू क्वाड्रेटर फेमोरिस भी सप्लाई करती है। अब हम चलते हैं मूवमेंट्स पर। सारी की सारी मूवमेंट्स एज इट इज वही वाली होती हैं जो शोल्डर ज्वाइंट पर होती थी। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, लैटरल रोटेशन, मीडियल रोटेशन और सर्कमडक्शन, सारी की सारी वही मूवमेंट्स होती हैं। बस हमने देखना ये है कि वो मूवमेंट कौन परफॉर्म, कौन कौन से मसल परफॉर्म कर रहे होते हैं। सबसे पहले अगर हम जाएं फ्लेक्शन पर, फ्लेक्शन जो है उसमें होता है इलियोसॉस, रेक्टस फेमोरिस और सार्टोरियस। ये तीन मेन मसल्स होते हैं जो फ्लेक्शन करवा रहे होते हैं, सार्टोरियस, रेक्टस फेमोरिस और इलियोसॉस मसल। ठीक है, मतलब ये एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई के मसल थे। बाकी के वास्टाए को निकाल कर, जितने भी तीन वास्टाए थे उनको निकाल कर, बाकी ये एंटीरियर कंपार्टमेंट में इलियोसॉस, सार्टोरियस और रेक्टस फेमोरिस ये करवा रहे होते हैं फ्लेक्शन। अब आ जाओ एक्सटेंशन। एक्सटेंशन कौन करवाएगा? एक्सटेंशन सारे के सारे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल, जिन्हें हम कहते हैं हैमस्ट्रिंग मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल को कहते हैं, प्लस इनके साथ होगा ग्लूटियस मैक्सिमस, ये एक्सटेंशन करवाएगा सारे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स और उनके साथ होगा ग्लूटियस मैक्सिमस, ये एक्सटेंशन करवाएगा। फ्लेक्शन में एंटीरियर कंपार्टमेंट से इलियोसॉस, रेक्टस फेमोरिस और सार्टोरियस ये फ्लेक्शन करवा रहे हैं। अब आ जाओ एबडक्शन और एडक्शन पे। एबडक्शन जो है, एबडक्शन कौन करवाएगा? एबडक्शन ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस, ये दोनों मसल करवाएंगे, प्लस इनके साथ इनको असिस्ट कर रहे होंगे टेंसर फेशिया लाटा, सार्टोरियस और पीरीफॉर्म, ये असिस्ट कर रहे हैं। मेन मसल्स ग्लूटियस मीडियस और ग्लूटियस मिनिमस हैं जो एबडक्शन करवा रहे हैं। मेन मसल्स हैं ग्लूटियस मीडियस एंड ग्लूटियस मिनिमस, बाकी तीन मसल्स जो इसे असिस्ट कर रहे हैं टेंसर फेशियल लाटा, सार्टोरियस और पीरीफॉर्म असिस्ट कर रहे हैं एबडक्शन। एडक्शन कौन करवाएगा? सारे एडक्टर मसल्स, मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ जो थाई था उसके मसल्स, एडक्टर मसल्स आ रहे हैं, और सर आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है, 60 ओवरियस के बाद कुछ समझ नहीं आया। ओके मैं दोबारा से बताता हूँ। पहले हमने पढ़े एबडक्शन के मसल्स, एबडक्शन में मैंने कहा कि मेन मसल्स हैं ग्लूटियस, सर आपने एबडक्शन के मसल जो भी लिखवाए हैं उनमें से लास्ट लास्ट वाले रिपीट कर दें, सार्टोरियस के बाद आगे कुछ। अच्छा आप बताओ, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? ठीक यस सर, यस सर। तो हम पढ़ रहे थे एबडक्शन के मसल्स। एबडक्शन में हमने कहा कि जो मेन मसल्स होंगे वो ग्लूटियस मीडियस और ग्लूटियस मिनिमस, ये मेन मसल्स है मीडियस और मिनिमस, इनको असिस्ट कर रहे होंगे सार्टोरियस, टेंसर फेशिया लाटा और पिरिफॉर्मिस, ये असिस्ट कर रहे होंगे। मेन मसल्स ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस होंगे एबडक्शन के, और सार्टोरियस, टेंसर फेशिया लाटा और पिरिफॉर्मिस इन्हें असिस्ट कर रहे होंगे। जो एडक्शन है, एडक्शन करवाएंगे सारे एडक्टर मसल्स, मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई के मसल्स, जिनमें तीन एडक्टर आ जाते हैं, एडक्टर मैग्नस, एडक्टर ब्रेविस और एडक्टर लॉन्गर, और एक ग्रेसुलस आ जाता है, ये मीडियल कंपार्टमेंट के मसल्स। ठीक है, ये सारी एडक्शन कराएंगे, तीन एडक्टर्स, एडक्टर लॉन्गस, ब्रेविस एंड एडक्टर मैग्नस, और उनके साथ ग्रेक्सिलस आ जाते हैं।
फिर से आपकी वो आवाज को प्रॉब्लम हो रही है। सबको है मसला भी डिस्टॉर्शन का। आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? हाँ पहले यस खराब हो गई थी, अभी आई है। हाँ अच्छा ठीक है। अब मैं एडिक्शन की बात कर रहा था। एडिक्शन में जो है ना तीनों एडिक्टर मसल्स होंगे, एडिक्टर लॉन्गस, एडिक्टर ब्रेविस एंड एडिक्टर मैग्नस, और उनके साथ में ग्रैसिलस यानी कि मीडियल कंपार्टमेंट के जो चारों मसल्स है वो एडिक्शन करवाएंगे। तीन एडिक्टर्स और उनके साथ में ग्रैसिलस। तो ये हो गए हमारे पास फ्लेक्शन एक्सटेंशन एबडक्शन और एडिक्शन। इसके बाद आ जाते हैं हम लैटरल रोटेशन और मीडियल रोटेशन पर। अब जो लैटरल रोटेशन होती है, लैटरल रोटेशन में जो मेन मसल्स होंगे वो होगा ऑब्लिकेट इंटरनस। अब याद करो वो वाले मसल्स ऊपर से जो ग्लूटियल रीजन के मसल्स से ऊपर से नीचे तक आओ। सबसे ऊपर कौन सा मसल था ग्लूटियल रीजन का? एक लाइन में पीरीफॉर्मिस था। पीरीफॉर्मिस के नीचे कौन सा आता था? पीरीफॉर्मिस के नीचे कौन सा मसल होता था? सुपीरियर ऑब्टूरिस जैमेला है, उसके नीचे जेमिनाई इंटीरियर ऑब्टूरेटे इंटरनस, उसके नीचे सुपीरियर जेमिनाई और इंफीरियर जैमेला है, उसके नीचे ठीक क्वाड्रेटस क्वाड्रेटस फेमोरिस। है। ये सारे मसल क्या करवा रहे होंगे? ये सारे मसल लेटरल रोटेशन करा रहे हैं। तो ग्लूटियल रीजन के मसल पीरीफॉर्मिस से स्टार्ट करने हैं। पीरीफॉर्मिस, सुपीरियर जैमिलाए, ऑब्टूरेटर इंटरनस, इंफीरियर जैमिलाए, क्वाड्रेटस फेमोरिस, और साथ में ऑब्टूरेटर इंटरनस है तो साथ में ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस भी कर लो। ठीक है, ये सब लैटरल रोटेशन करवाएंगे। अब आ जाओ मीडियल रोटेशन। मीडियल रोटेशन कौन करवाएगा? ग्लूटियस, मीडियस एंड मिनिमस। ग्लूटियस, मीडियस और मिनिमस एक और मूवमेंट भी करवा रहे थे। कौन सी मूवमेंट करवा रहे थे ये? एबडक्शन एबडक्शन करवा रहे थे ठीक है। और इनके साथ कौन सा? टेंसर फेशियल आटा भी था। तो यहाँ पर भी मीडियल रोटेशन में भी ग्लूटियस, मीडियस, मिनिमस और टेंसर फेशियल आटा। सर्कमडक्शन, सर्कमडक्शन कौन करवाएगा? सारे के सारे मसल मिलकर सर्कमडक्शन करवाएगा। तो बताओ समझ आ गई है मूवमेंट की? यस सर। अब क्या होता है कि अब देखो ये जो हिप जॉइंट है इसको फिमोरल नर्व भी सप्लाई कर दिया। अब फिमोरल नर्व की दो क्यूटेनियस ब्रांचेस भी होती हैं, एक इंटरमीडिएट क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई और एक और दूसरी कौन सी होती है? मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। टेनिस तो अगर हिप जॉइंट में कोई मसला होता है तो उसकी वजह से जो पेन रेफर करेगा वो एंटीरियर और मीडियल साइड ऑफ थाई में भी रेफर करेगा। ठीक है, एंटीरियर साइड की स्किन पे और मीडियल साइड ऑफ स्किन ऑफ थाई जो है वहां पर पेन रेफर करेगा अगर हिप जॉइंट का कोई मसला होता है। ठीक है, और कौन सप्लाई कर रहा होता है? जो ऑब्टूरेटर नर्व है वो भी सप्लाई कर रही है। अब ऑब्टूरेटर नर्व जो है वो नी जॉइंट को भी सप्लाई कर रही है, दोनों को सप्लाई कर रही है, हिप जॉइंट को भी और नी जॉइंट को भी। तो अगर हिप जॉइंट का कोई मसला होता है तो उसका पेन नी जॉइंट में भी फील होगा, रेफर करेगा टुवर्ड्स द नी जॉइंट। समझ आइए इस बात की? फिमोरल नर्व की वजह से एंटीरियर और मीडियल साइड ऑफ थाई की स्किन पे रेफर करेगा पेन, और ऑब्टूरेटर नर्व की वजह से नी जॉइंट में रेफर करेगा पेन। ठीक है, यस सर। और अगर डिसलोकेशन होती है हिप जॉइंट की, ठीक है, ट्रॉमेटिक डिसलोकेशन, वैसे बहुत स्टेबल जॉइंट होता है ये, लेकिन मोटर एक्सीडेंट्स जो होते हैं, कार एक्सीडेंट्स, उसमें इसकी जो है डिसलोकेशन हो जाती है, और मोस्टली जो है ये पोस्टीरियरली डिस्प्लेस होता है। पोस्टीरियरली क्या होगा? एसीटेबुलम की वॉल को तोड़ते हुए पोस्टीरियरली चला जाएगा ग्लूटियल सरफेस जो होती है हिप बोन की, वहां पर हेड ऑफ फीमर ग्लूटियल सरफेस ऑफ हिप बोन पर चला जाएगा। और इसका जो फिर ज्वाइंट हिप ज्वाइंट की स्टेबिलिटी, ये ट्रेंडिलन बर्ग साइन और वो सब कुछ मैंने आपको करवाया हुआ है। ट्रेंडिलन बर्ग साइन में मैंने कहा था कि तीन चीजें जो है हिप ज्वाइंट की स्टेबिलिटी में तीन चीजें चाहिए होती हैं। एक ये कि ग्लूटियस, मीडियस और मिनिमस प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहे हो, हेड ऑफ फीमर जो है वो एसीटेबुलम के अंदर हो, और नेक ऑफ फीमर और जो शाफ्ट ऑफ फीमर है उसके दरमियान नॉर्मल एंगल हो जो 125 डिग्री का होता है। ठीक है, ये मैंने कहा था ये तीन चीज़ें चाहिए होती हैं।
हिप जॉइंट की स्टेबिलिटी में। अगर इन तीनों में से कोई एक भी खराब है तो फिर क्या होगा, जो पेल्विस है वो सिंक कर जाएगा, डिस्टेबलाइज हो जाएगा हिप जॉइंट, और पेल्विस जो है वो सिंक करेगा किस साइड पर, अनसपोर्टेड साइड पर। तो हम उसे क्या कहेंगे, पॉजिटिव ट्रेंडिलनबर्ग साइन उसे कहते हैं। ये पेशेंट है सपोज उसकी जो है राइट हिप जॉइंट जो है वो अनस्टेबल है, अब हम उसे कहते हैं कि वो राइट फुट पर खड़ा हो जाए और लेफ्ट फुट को उठा ले जमीन से, तो उसकी जो लेफ्ट साइड होगी वो क्या कर जाएगी, सिंक कर जाएगी, तो हम कहेंगे पॉजिटिव ट्रेंडिलनबर्ग साइन। ये मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था जब आपका सीडीएल था, याद है या भूल गए? याद है? याद चलो है। कोई क्वेश्चन हिप जॉइंट से? सर ये बताइएगा कि जो ऑब्टूरेटर नर्व में जो आपने बताया कि मैं नी जॉइंट और हिप जॉइंट दोनों को सप्लाई कर रही है, और फेमरल नर्व का ये बताइएगा सर एक दफा। फेमरल नर्व जो है उसकी क्यूटेनियस ब्रांचेस होती हैं, जो एक इंटरमीडिएट क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई जो एंटीरियर साइड ऑफ थाई की स्किन को सप्लाई कर रही होती है, और एक मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई जो मीडियल साइड ऑफ थाई की स्किन को सप्लाई कर रही होती है, और फिमोरल नर्व हिप जॉइंट को भी सप्लाई कर रही है। तो हिप जॉइंट से अगर कोई मसला होगा तो उसका पेन रेफर करेगा कहाँ पर, एंटीरियर और मीडियल साइड ऑफ थाई की स्किन में। दूसरी जो ऑब्टूरेटर नर्व है वो हिप जॉइंट को भी सप्लाई कर रही है और नी जॉइंट को भी सप्लाई कर रही है, तो अगर हिप जॉइंट का कोई मसला होता है तो उसका पेन नी जॉइंट में भी रेफर करेगा ऑब्टूरेटर नर्व की वजह से। ठीक है, ओके सर, और किसी का कोई क्वेश्चन? डिसलोकेशन यस सर, फिर इसकी डिसलोकेशन का एक दफा दोबारा बता दें। मैंने कहा था कि पोस्टीरियरली डिसलोकेशन होती है मोस्ट कॉमनली, और किसमें होती है, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट में होती है, कार एक्सीडेंट्स में। होता ये है कि जो हेड ऑफ फीमर होता है वो इसी टेबुलम की वॉल को तोड़ते हुए पोस्टीरियरली डिसलोकेट हो जाते हैं, पोस्टीरियरली डिस्प्लेस हो जाते हैं, और ग्लूटियल सर्फेस ऑफ जो हिप बोन होती है वहां पर चला जाता है। मोस्ट कॉमनली पोस्टीरियर डिसलोकेशन होती है। ठीक है, यस सर, और पोस्टीरियर डिसलोकेशन में बताओ मोस्ट कॉमनली कौन सी नर्व डैमेज होने का चांस होता है, शेडिंग पोस्टीरियर स्टैटिक नर्व डैमेज होने का चांस होता है पोस्टीरियर डिसलोकेशन। और कोई क्वेश्चन? नो सर, नो सर, चलो आज हम यहाँ पर एंड करते हैं, कल हम फिर भी आप इसे स्टार्ट करेंगे और फिर अपनी लाइफ शेयर करेंगे। चलो ओके, अल्लाह हाफिज़।